दोस्तों, एक के बाद एक बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से बुरी खबरों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां हाल ही में जोधा अकबर सीरियल की सलीमा बेगम और तारक मेहता के नट्टू काका अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, वहीं अब खबर आ रही है कि फिल्म गुलाबो सिताबो में अमिताभ बच्चन यानी मिर्जा की पत्नी के किरदार में फातिमा बेगम का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस फारूक जफर का निधन हो गया है। इस बात की जानकारी उनके पोते शाज अहमद ने सोशल मीडिया साइट पर शेयर की है। उन्होंने बताया है कि 88 साल की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उन्होंने कल रात आखिरी सांस ली। इस बात की जानकारी जैसे ही सबको मिली है, वैसे ही मानो फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फारूक जफर के लिए शोक व्यक्त करते हुए स्क्रीन राइटर जूही चतुर्वेदी ने लिखा है कि बेगम गईं फारूक जी, ना आप जैसा कोई था और ना होगा। दिल से शुक्रिया जो आपने हमको आपसे रिश्ता जोड़ने की इजाजत दी। अब अल्लाह की उस दुनिया में हिफाजत से रहिएगा। RIP। यह आपको बता दे कि फारूक ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत फिल्म उमराव जान से की थी, जिसमें वो रेखा की माँ के किरदार में नजर आई थी। वहीं ये अम्मा की बोली स्वदेश, सुल्तान, सीक्रेट सुपरस्टार और गुलाबो सिताबो फिल्म का भी हिस्सा रही हैं। साथ ही कई किरदारों के लिए इन्हें अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। फारूक जफर के अभिनय और उनके योगदान को ये बॉलीवुड इंडस्ट्री कभी भूल नहीं पाएगी। मीडिया दरबार की पूरी टीम की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि।